अभी हम सबसे पहले चल रहे हैं माघ मेला क्षेत्र में, जहाँ पे माघ मेला की तैयारियाँ बड़ी जोरों से चल रही हैं, और वहाँ पे हम लोग बड़े हनुमान जी के दर्शन करेंगे। उसके साथ साथ संगम विहार भी करें, संगम में यानी कि नौका पे बैठ के अपन चलेंगे अंदर तक। तो चलिए चलते हैं। चौपाटी बनी हुई है, चलो उतर जाओ, देख लो, आनंद ले लो। हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, जरूर बताइएगा। तो गाना पीछे चल रहा है जैसा कि देख रहे हैं। तो हमारी गाड़ी में गणेश जी थे जो खंडित हो गए हैं। हमारे गणेश जी आए हैं जिनका विसर्जन, इनका विसर्जन मुझे करना है। पीछे गाना चल रहा था तो मुझे म्यूट करना पड़ा, यहाँ की वॉइस मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। यहाँ डॉग साहब धीरज और विशाल फोटो खिंचवा रहे हैं गंगा जी के तरफ। तो चलिए मैं गणेश जी का विसर्जन कर लेती हूँ। तो गंगा जी का आप लोग भी दर्शन करिए, गंगा यमुना सरस्वती जहाँ मिलती हैं, संगम है यहीं पे। और उस पार आप देख रहे होंगे इधर तरफ, रुको जूम करती हूँ, ये देखिए किला है, और किला के साथ में हनुमान जी का वहीं पे मंदिर है जहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। हम लोग गणेश जी का विसर्जन करने चल रहे हैं सीधा गंगा जी के पास में ही। यमुना जी हैं, हाँ यहाँ पे यमुना जी हैं। नहीं, इधर आगे इधर ही बस संगम भी है जस्ट बगल में ही, यहाँ पे गंगा यमुना जी मिल रही हैं। देखो उधर से गंगा जी वो आई हैं, ये यमुना जी, ये संगम है। संगम के दूसरी तरफ है, मतलब नदी के दूसरी तरफ है। अभी अब चलने वाले हैं हम लोग, जिधर लेटे हुए हनुमान जी हैं उधर तरफ संगम चलेंगे। को वीडियो कॉल कर दूं क्या? कर दो आप, अपने से मैंने कहा था तो तुम लोग दिखाऊंगी अभी। उधर से चलना पड़ेगा लगता है। तू गए तो उधर से चल, कैसे उतरे? अच्छा सीढ़ी है क्या? होगी सीढ़ी। अच्छा मीटिंग चल रही है। ठीक है वैसे राजा मेरा बाबू, मेरे बाबू से सुंदर कोई बाबू नहीं। अब हम और मम्मी जा रहे हैं गणेश जी का विसर्जन करने। हाँ, तुम्हारी मम्मी को आनंद आ गया, प्लॉट देख के खुश हो गए कि नहीं बहुत अच्छा यहीं बसेंगे। पानी भी पिया मम्मी ने यहाँ पे। अच्छा। और उनको जो छोटा लग रहा था, एक प्लॉट का कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसकी फोटो ली, फिर कहा अरे वाह तो बहुत बड़ा है, यही रहेंगे अब। तुम्हारी मम्मी का मूड बदल गया। बदल गया, अब नहीं लेना प्लॉट। मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई बेटा। कितनी देर चिड़िया जो है ये बाहर देश से आ, रशियन क्रेन। हाँ रशियन क्रेन, क्रेन बेटी जो आए हैं रशियन बर्ड्स, क्या नाम है इनका? नहीं क्या है इनको, रशियन कुछ है इनका नाम। हेलो भैया, सीढ़ी है क्या यार? यहाँ सीढ़ी है, रुको तो आराम से करना। यहाँ सीढ़ी नहीं है, पहले सीढ़ी नहीं थी। अरे आराम से आओ, यहाँ पे आराम से करो। यहाँ लोग वो कर रहे हैं, उधर गिराओ, ज्यादा गहरा है। चलो मैं दिखा देती हूँ, रुक जा आराम से। हाँ बैठ जाओ पहले। जय गणेश जी महाराज। सिटी ऑफ रिवर गंगेज एंड यमुनेज, द मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ द रिवर्स गंगा एंड यमुना इज कॉल्ड संगम, वेयर सरस्वती इज सपोज टू बी इनकॉन्स्पिक्यूअस। सरस्वती इज इनकॉन्स्पिक्यूअस। ये चिड़िया दिखाती हूँ पास से आप लोग।
चिड़ियों की आवाज सुनाती हूँ, एक जैसी आवाज तेज आ रही है यहाँ पे, आप लोगों को हो सकता है सुनाई दे, सुनिए ध्यान से। सुशील सर, छगन सर, सब लोग दर्शन कर लीजिए, आज मैंने आप लोगों को वादा किया था सब लोग दर्शन कराने को, करा दे रही हूँ संगम गंगा जमुना सरस्वती का। तो आप लोगों ने दर्शन कर लिया होगा जैसा कि मैंने वादा किया था, और करा भी दिया आप लोगों को। अब मुझे बताना और कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर कमेंट किसी ने नहीं किया ना तो आके बताऊंगी मैं। ये देखिए पूरा संगम क्षेत्र। तो हमारे गणेश जी विसर्जित हो गए, उनका विसर्जन कर दिया मैंने, और आप लोगों को दर्शन भी करा दिया, मैंने भी दर्शन कर लिया, बस माथे चढ़ाना है मुझे जल को। तो आप लोगों के साथ में मैं जल को माथे चढ़ा लेती हूँ। ये देखिए मैंने छींटा दे लिया अपने ऊपर, डॉक्टर साहब के ऊपर भी छींटा दे देती हूँ। रुक जाओ, ये रशियन क्रेन्स हैं, रशियन क्रेन्स। इनको भी छींटा लगा दिया गंगा जी का। आप लोगों के चिड़िये दिखाती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया यहाँ पर गंगा जी में रहती हैं, जिनको चारा भी डालते हैं लोग। इस बार पता नहीं चारा जो देते हैं वो दिख नहीं रहे मुझे, डाल के दिखाती, खूब सारा इकट्ठा हो जाती है। देखिए जूम करती हूँ आप, ये देखिए, जय गंगे जय जय। ये देखिए उधर साइड में देखिए संगम, सब नाव से लोग दर्शन कर रहे हैं, सब स्नान भी कर रहे हैं। देखिए आप, देखिए सफाई कर रहे हैं नीचे से। मैंने पहली बार देखा इस तरह टेढ़ा करके इसकी सफाई करनी पड़ती है। क्या कर रहे हैं, सिलाई हो रही है? नहीं, रिपेयर हो रही। अच्छा अच्छा, अंदर से कोई मार रहा है। अच्छा, इधर से पकड़े हैं, इधर से मार रहे हैं। आगे वाला एकदम पक्का है ना? हां, इधर सारी नावें। चलो मैं तो तैयार हूँ। ये इधर से देखिए, ये यमुना जी गई हैं। अब यहाँ पे जहाँ कॉर्नर दिख रहा है, नाव एकदम लास्ट में दिख रही है, उधर से उस साइड से, ये उधर से पूरे देखिए उस साइड से ऐसे गंगा जी आई हुई हैं। ये संगम स्थल ही बन रहा है, देखिए उधर से वो गंगा जी आई हैं, इधर से ये यमुना जी गई हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा संगम, ये यहीं से पूरा साफ साफ दिख रहा है। चलो, तो नाव के कुछ ज्यादा ही रेट है यहाँ पे, रेट नहीं है, ये लोग कुछ भी मांगते हैं, इनसे बार्गेन करना पड़ता है। अपनी गाड़ी किधर है? दर्शन भी हो गए हमारे, गणेश जी भी विसर्जित हो गए, अभी हनुमान जी के आप लोगों को दर्शन भी कराऊंगी इसी ब्लॉग में। आप लोग कंटिन्यू रहिए, देखते रहिए, चलिए हनुमान जी के दर्शन भी करिए। अब आप किस देखिए, संगम का महात्म्य ये है, माघ मकर रवि की गति हुई, तीर्थ पति ही आओ सब कोई। 14 जनवरी से प्रत्येक वर्ष जब सूर्य जो है
वो कर्क रेखा मकर रेखा में प्रवेश करता है तो वहां से संगम स्नान प्रारंभ होता है जो बसंत पंचमी तक चलता है, लगभग एक महीने, पूरा एक महीने। तो इस दौरान समस्त देवता तीर्थपति प्रयागराज में विराजमान हो जाते हैं। तो आप सभी को अगर समस्त देवताओं के दर्शन का, स्नान का पुण्य लाभ लेना हो तो संभव तो नहीं कि आप यहाँ तक आ जाएं, संभव हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी दर्शन लाभ लें और पुण्य प्राप्त करें। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब ने मेरे ब्लॉग के लिए आप लोगों को यहाँ के महात्म गंगा स्थल और प्रयागराज का महात्म आप लोगों को समझाया है आज कि किस तरीके से सारे देवता यहाँ पे एक महीने के लिए मकर संक्रांति से जो दर्शन शुरू हो जाते हैं बसंत पंचमी तक, तो सभी यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। अभी आपको दिखाऊंगी, उधर से लाइटें टेंट सब लग रहे हैं, अभी उधर से चल के आप लोगों को दिखाने वाली हूँ किस तरीके से एक महीने तक यहाँ कल्पवासी रहते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं गंगा जी के, यमुना जी के, सरस्वती के दो आब के बीच में ही चलेंगे। ये देखिए रास्ते में किस तरीके से फूल माला, आप देखिए मेला क्षेत्र का नज़ारा आपको दिखने लग गया होगा। बस अब मेला क्षेत्र में हम लोग घुस रहे हैं, जिधर तरफ माघ मेला अब लगने वाला है। तो अब यहाँ से हम लोग, ये देखिए बच्चे स्कूल के सब आके यहाँ पे लेके आए होंगे टूर स्कूल के बच्चों को। तो माघ मेला में हनुमान जी लेटे हुए, हनुमान जी हैं जिनको हर साल गंगा जी बारिश के महीने में जब सावन में हर साल एक बार हनुमान जी को आके नहलाती जरूर है। हनुमान जी एक बार पूरा डूब जाते हैं फिर वो अपने आप खाली होते हैं। तो ये सब देखिए किस तरीके से सजाया हुआ है मेला क्षेत्र। आइए चलिए लेटे हुए हनुमान जी के हम दर्शन कर लेते हैं, यहाँ से फूल माला ले लेते हैं। जल भरने के लिए डिब्बे रखे रहते हैं। देखो छोटी सी बच्ची जो कि आप फूल माला ले लो, सुनैना दे दो एक ना। कितने पैसे दे बेटा? 10 रुपया। हाँ ये पूरा संगम क्षेत्र है। पीछे साहब देखिए हनुमान जी के मंदिर का ये मेन गेट है। हमने माला ले लिया है और दर्शन कर रहे हैं लेते हुए हनुमान जी के। तो मंदिर है, पीछे आप देख रहे हैं किला है। अकबर का किला
होने का नाम नहीं ले रहा है। हम दोनों को भगवान जी बुला के जल्दी जल्दी दर्शन करवा दिया, नहीं तो अभी तो किला के अंदर थोड़ी जा रहे हैं हम तो। आता हुआ ये किला कहाँ तक है वो देखिए, एकदम यमुना जी के किनारे तक है आगे तक। हाँ क्या रहे हम लोग, ये देख लो हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं लंच है अभी, लंच है ये, लंच हो रहा है वो भी स्प्राउट से। ये रहो भी कारोबार होती है, ट्रैफिक कंट्रोल ये आवाज आ रही है तो फिर पता नहीं आवाज आए, अभी समझ नहीं आई तो मैं वॉइस ओवर कर दूंगी या फिर अभी बता दे रही हूँ। ये ट्रैफिक जो माघ मेला होता है उसका ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यहाँ सब कैमरे लगे होते हैं और यहाँ सब बैठे होते हैं, कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं हो, किधर से इनके रूट चेंज करने हैं भीड़ की, ये सारा कुछ यहाँ से देखते हैं। और हम लोग ऑटो कर रहे हैं, यही इलेक्ट्रिक ऑटो जो होती हैं उनको करके संगम के अंदर चल रहे हैं, चलेंगे अब नौका में बैठेंगे और संगम आपको गंगा और यमुना जी की धारा दिखाऊंगी, एक इतनी तेज एक इतनी शांत और बीच में कैसे उनका कलर बदल रहा है, एकदम हरी और एकदम सफ़ेद हो जाती हैं। तो चलिए अब कंटिन्यू रहेगा ब्लॉग, आज का ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है तो यहीं पर एंड भी करूँगी। अगले ब्लॉग में आपको पूरा संगम का गंगा यमुना जी का नज़ारा देखने को मिलेगा, तो लेते हैं विराम, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जो नए हैं ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।